हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस आईएएस। आज की सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स सीरीज के साथ, जो यूपीएससी 2020 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। शुरुआत करेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको समझ में आए, और फिर धीरे धीरे करके एक विषय अनुरूप एक सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे करंट अफेयर सीरीज में हम शुरू करेंगे पहले आज का टॉपिक छोटा सा ब्रीफिंग, और उसके बाद धीरे धीरे शुरू करेंगे आईआर पर, ज्योग्राफी पर, साइंस टेक पर, पॉलिटी पर, एक सब्जेक्ट के रूप में डेली का करंट अफेयर्स। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जो भी नियमित अभी आगे की हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, विच आर प्लान्ड फॉर यूपीएससी। तो माय नेम इज अभिषेक मिश्रा और हम हैं सक्सेस आईएएस पर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो यूपीएससी, डीपीएससी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी एग्जाम्स। चलिए तो आज की सीरीज हम शुरू करते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज के साथ, कुछ अच्छी कुछ बुरी। कुछ अच्छी न्यूज से शुरुआत करते हैं, शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो न्यूज क्या है कि भारत में रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है। कि जो रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसका मतलब क्या है, क्या है ये? तो जैसा कि नाम बता रहा है, ये है रियल टाइम। रियल टाइम मींस व्हाट? इट इज लाइव, लाइव ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। कौन सी इंफॉर्मेशन? ये दो तरीके की इंफॉर्मेशन आपको देगा। पहला क्या? उसकी स्पीड, दूसरा उसकी पोजीशन। कैसे? विद हेल्प ऑफ दिस गगन। ये वो सिस्टम होगा गगन जो इसमें हेल्प करेगा रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने में। किसको? सेंट्रल हेड ऑफिस को, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी की सारी सूचनाएं वहां पर प्रायोजित होंगी, वहां पर इंट्रोड्यूस होंगी, और फिर वहां से चीजों को आगे इंप्लीमेंटेशन के लिए भेजा जाएगा। तो किसने बनाया है इसको? इसको बनाया है इसरो ने मुख्यतः, और दो अथॉरिटीज हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे ने सामूहिक रूप से इस सिस्टम को बनाया है। बट मुख्यतः मेजरली मेजर बॉडी कौन सी है? इट इज इसरो। तो गगन क्या है? व्हाट इज गगन? नाउ देन व्हाट इज गगन? गगन क्या है? गगन है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो ऑगमेंटेड, जियो ऑगमेंटेड, जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये है ग्लोबल, गगन का फुल फॉर्म। यहां पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, विच इज व्हाट? विच इज जीपीएस। और जैसे ही हम जीपीएस की बात कर रहे होते हैं तो जीपीएस ध्यान रखना चाहिए। जीपीएस का मतलब हो गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी का, साइंस टेक का पोर्शन, साइंस टेक में स्पेस टेक्नोलॉजी का पोर्शन, और स्पेस टेक्नोलॉजी के पोर्शन में जीपीएस को हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। क्या है ये? यूज, ये सैटेलाइट है जो कि प्रयोग करता है कौन सा ऑर्बिट? जियो सिंक्रोनस
जैसे ही मैंने बोला जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, आपके दिमाग में यह हमेशा क्लिक हो जाना चाहिए कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब, सॉरी, का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसकी ऊंचाई कितनी होती है 2000 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक, बट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट फिक्स है जिसकी हाइट कितनी होती है इट्स 35786। इस हाइट पर हमारा जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट होता है और इसी ऑर्बिट पर हमारा जीपीएस सैटेलाइट्स, जो नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उसको हम लॉन्च करते हैं किस पर, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पर, जो कि कहां पर होता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। यूपीएससी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, उस जमाने चले गए 2013-14 के बाद से कि यूपीएससी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि रियल टाइम को किसने बनाया, क्या बनाया, नहीं। ये उस करंट अफेयर सीरीज के साथ, उस करंट अफेयर टॉपिक के साथ में आपको आगे और रिलेट करता है। आज चूंकि पहली वीडियो है, पहली इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, इसे छोटे छोटे चीजों को आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया जाएगा जिससे आप फैमिलियर हो सकें यूपीएससी क्या डिमांड करेगा और आपको अपनी तैयारी की अप्रोच कैसे रखनी है रिगार्डिंग करंट अफेयर सीरीज। तो ये है हमारा रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए दूसरी थोड़ी सी अच्छी खबर, थोड़ी सी बुरी खबर, थोड़ा सा शॉक, थोड़ा सा देखते हैं क्या है सेकेंड न्यूज हमारे पास। वो सेकेंड न्यूज है कि केंद्र सरकार थोड़ा सा जो आज के समाज की विभीषिका बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है, जो हम फेस कर रहे हैं आजकल पिछले दिसंबर से, कोरोना वायरस, मैं इसकी सीरीज, कोरोना वायरस की सीरीज बहुत जल्दी आपको सारी सूचनाओं के साथ उपलब्ध कराऊंगा यहां पर कि कोरोना वायरस है क्या, कैसा है, इसकी पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं आपको जल्दी ही मिलेंगी। लेकिन आज सिर्फ करंट अफेयर्स को शुरू करते हुए देखते हैं कि क्या है कोरोना वायरस के बारे में सूचना। तो क्या है कोरोना वायरस, व्हाट इज अबाउट कोरोना वायरस, विच इज इंडिया डूइंग। केंद्र सरकार ने इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको, इसके लिए एक एक्ट पास कर किया है, विच इज एक्ट ऑफ 1897 का पुराना एक्ट है, उसको लागू किया है। और वह क्या है, महामारी अधिनियम। इतना पुराना कानून, इतना पुराना अधिनियम, जरूरत क्या पड़ी, जरूरत पड़ी क्योंकि ये वही दौर है और ये वही समय है कि जब इसको लागू करना निहायत ही जरूरी हो गया है। तो क्या है ये महामारी अधिनियम, एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट, एपिडेमिक डिजास्टर एक्ट 1897 क्या है ये वो अधिनियम है जो किसी भी सरकार को, राज्य सरकार को ये अधिकार प्रदान करती है कि वह किसी क्षेत्र विशेष के लोगों तक किसी महामारी के लिए सूचनाओं के का आदान प्रदान कर सके और उसकी रोकथाम के लिए वह समस्त उपाय कर सके जिससे वह महामारी, एपिडेमिक, वह महामारी रुक सके। आई थिंक क्लियर है।
चलिए इस पर हम थोड़ा सा बाद में आते हैं कि क्या होता है एपिडेमिक और क्या होती है चीजें, महामारी क्या है, इसको थोड़ा सा बाद में आते देखते हैं कि क्या होता है महामारी, देख ही लेते हैं। ये जो महामारी हुआ ना, ये शब्द कौन लागू किया है, ये एपिडेमिक डिसाइड कौन करता है, विच इज WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। किसी भी बीमारी को बताता है कि वह बीमारी एक महामारी है या एक सामान्य बीमारी। महामारी का मतलब क्या हुआ, महामारी का मतलब क्या हो गया, या एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, पहले देखते हैं एपिडेमिक का मतलब क्या। एपी मींस स्थान विशेष, डी मींस ग्रस्त चीजें, और एक मींस व्हाट कंडीशन। जब कोई बुरी कंडीशन, बुरी बीमारी किसी एक स्थान विशेष पर हो, व्हेन इट इज ऑन अ एरिया इटसेल्फ, फिक्स एट एरिया इटसेल्फ, इज नोन एज एपिडेमिक। और जब ये विस्तार रूप करता है, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। पैन मतलब ही होता है विस्तृत, जहां कई चीजों, कई क्षेत्रों का समूह, क्या है पैन। और एक मतलब हुआ कंडीशन, ऐसी कंडीशन जब कोई बीमारी किसी स्थान विशेष तक सीमित ना होकर कई देशों में जाकर कई देशों में विस्तृत हो और उसका विस्तार कई देशों में हो, उसे हम बोलते हैं पैंडेमिक। WHO ने कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित किया है, तो मतलब ये वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी। इसको इससे पहले किस बीमारी को पैंडेमिक घोषित किया था WHO ने, स्वाइन फ्लू को। स्वाइन फ्लू को जो कि फैली थी 2009 में, 2009 में स्वाइन फ्लू फैला, किसके द्वारा, H1N1 इन्फ्लुएंजा। इट्स स्प्रेड बाय H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इज अ टाइप ऑफ अ वायरस। ये एक तरीके का विषाणु, बाद में पढ़ते हैं इसको, थोड़ा सा और चलेगा, डिटेल बहुत लेके जाएंगे आपको एक एक टॉपिक को, जिसमें इसका पोस्टमार्टम करेंगे कि क्या होता है वायरस, क्या है चीजों का। लेकिन चूंकि समय का की पाबंदी है, तो थोड़ा सा चीजों को और लेते हुए, आज पहली वीडियो है, इसके आगे सीरीज और लॉन्च होगी, उसमें धीरे धीरे चीजों के बारे में आप और जान पाएंगे इस टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में। चलिए देखते हैं, तो आते हैं अपने महामारी अधिनियम 1857 के बारे में, 97 के बारे में, क्या है 1897 का महामारी अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा मैंने बताया आपको कि किसी भी सरकार को ये 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 अधिकार प्राप्त होते हैं कि वह किसी महामारी के दौरान, किसी भी महामारी के दौरान वह ये सीमित कर सके कि कैसे उस महामारी को रोका जा सके। ठीक है, क्या है ये, इस इसके अंदर भी कई सारी उपधाराएं हैं, जिसमें धारा 2 को तुरंत लागू कर दिया गया है, और वह पहला राज्य जिसने ये इस धारा को लॉन्च किया है, इसको लागू करवाया है, वह है कर्नाटक। वह है कर्नाटक जिसने इस धारा को सबसे पहले लागू किया है अपने राज्य। परिभाषा देख लेते हैं, जब राज्य सरकार को ऐसा लगे कि उसके किसी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब तो सरकार कुछ ऐसे उपाय कर सकती है
जिससे लोगों में यह सार्वजनिक सूचना जारी कर सके हो सके कि यह है इसका रोकथाम, इस महामारी का रोकथाम का उपाय क्या होगा। यह है धारा दो। धारा तीन क्या है? धारा तीन क्या है? धारा तीन है जुर्माना, पनिशमेंट। अगर कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी संस्थान इस धारा को लागू नहीं करता है, इस धारा की अवहेलना करता है, विच डू नॉट फॉलोज दिस एक्ट, देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। उसके ऊपर सजा आरोपित की जाएगी, उसको जुर्माना दिया जाएगा अंडर आईपीसी 188, भारतीय दंड संहिता 188 के तहत उसको क्या दिया जाएगा? उसके ऊपर सजा दी जाएगी, उसको जुर्माना दिया जाएगा। ये है क्या धारा तीन। देन व्हाट इज धारा फोर? क्या है आर्टिकल फोर? इसमें सब क्लॉज फोर क्या कहता है? सब क्लॉज फोर कहता है किसी भी अधिकारी को कोई कानूनी सहायता को कानूनी रक्षा प्रदान करता है, ये धारा चार या एक्ट फोर सब क्लॉज फोर, जिससे वह उस अधिनियम को समाज में क्षेत्र विशेष पे पूर्णतः लागू कर सके बिना किसी रुकावट के। और अगर उससे कुछ भी थोड़ा या अधिक 19-20 कुछ भी गलती हो जाती है इस धारा को लागू करने के करते समय, उस समय उसके ऊपर कानूनी रक्षा प्राप्त होती है। धारा सब क्लॉज फोर। इस धारा दो के भी दो सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज ए सब क्लॉज ए एंड बी। क्या है सब क्लॉज ए और बी? सब क्लॉज ए और बी सम्मिलित रूप से ये कहता है कि किसी भी सरकार को ये अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी तरह से यात्रा करने वाले लोगों में, चाहे वो रेल हो, बंदरगाह हो या हवाई जहाज, किसी भी माध्यम से यात्रा करने वाले लोगों में को जिनमें ये शंका पाई जाती है कि ये बीमारी को फैला सकते हैं, वो त्वरित वहीं पर रोक सके और उनको किसी अस्थायी निवास पर ट्रांसफर कर सके, उनको स्थानांतरित कर सके। वो अस्पताल भी हो सकता है। कौन सी क्लॉज है? सब क्लॉज टू के अंदर सब क्लॉज ए एंड बी कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से ये कहते हैं। आई थिंक ये दो न्यूज आपको, दो करंट अफेयर्स आपके लिए तैयार है। पढ़ना ऐसे ही है, आप चीजों को एनालाइज करते हुए, चीजों को देखते हुए, ज्यादा ब्रॉड नहीं, ज्यादा अंदर नहीं, बट जो भी सूचना मिल रही है उसको थोड़ा सा उसका पोस्टमार्टम करते हुए आगे देखते हैं। तो थर्ड न्यूज क्या है इसी कोरोना वायरस पर ही? और थर्ड न्यूज और कुछ नहीं है जो मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा सा बताया था इसी का, कि दिस कोरोना वायरस हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पैंडेमिक। As pandemic by what? By whom? By WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस को पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। पैंडेमिक मतलब बताया मैंने आपको, पैंडेमिक मतलब जब ये किसी स्थान विशेष तक सीमित ना रहकर कई सारे देशों के साथ मिलकर फैल जाता है, इसका विस्तार कई सारे देशों में होता है, तो इसको हम पैंडेमिक बोलते हैं। चलिए
इससे पहले स्वाइन फ्लू को दिया गया था, स्वाइन फ्लू को देने को 2009 में दिया गया था, लेकिन एपिडेमिक WHO ने एक एपिडेमिक भी घोषित किया था 2014-15 में। किसे? उसने घोषित किया था 2014-15 में, आई थिंक, या छोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं इसी, थोड़ा सा इसी के बारे में, थोड़ा सा इसी के बारे में देखते हैं कि क्या है ये जो स्वाइन फ्लू है। बताया मैंने आपको अभी कि 2009 में स्वाइन फ्लू आया था, स्वाइन फ्लू 2009 में, ठीक है, 2009 में स्वाइन फ्लू आया, इसके द्वारा फैला H1N1 वायरस, विच वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये फैला हुआ स्वाइन फ्लू 2009 में। पहला केस कहां आया? अफ्रीका। मैक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। 2014 की जो मैंने बात की थी, याद आया, 2014 की जो मैंने बात की थी अभी आपसे, वो इबोला वायरस था 2014-15 में, जिसको एपिडेमिक घोषित किया था WHO ने, और वो क्या था? वो था इबोला। शुरुआत कहां पर? पहला शुरुआत कहां पर? अफ्रीका। एपिडेमिक क्यों बोला गया? क्योंकि अफ्रीका के आसपास के सीमांत और सीमित सीमा के क्षेत्रों में ही ये फैला था, का विस्तार था, उसके बाहर नहीं जा पाया था। बट कोरोना, कोरोना वायरस को पैंडमिक घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में ये 24 से 26 देशों के अंदर विस्तृत है, और चाइना इसका, इटली इसका, ईरान और अन्य देश इसका, अब इसका विस्तृत रूप झेल रहे हैं, इसका विस्तृत रूप वो फील कर पा रहे हैं, इसका विस्तार वहां बहुत ज्यादा हो रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं रह पा रहा है। चलिए, तो आज के लिए ये 3 सूचनाएं, अगली सीरीज इसी सूचनाओं से और आगे बढ़ाते हुए कि देखेंगे डेली का करंट अफेयर्स चलेगा हमारा। शुरुआत करेंगे किससे? शुरुआत करेंगे इसको करंट अफेयर सीरीज के साथ में ही, और टॉपिक वाइज आगे बढ़ाते हुए इसको हम ले जाएंगे। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये है, इसको अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो को समाप्त करने के साथ ही मैं आपसे ये अपेक्षा करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और आगे बढ़िए। करंट अफेयर सीरीज शुरू हो चुकी है, डेली की करंट अफेयर सीरीज। थैंक यू।